ये वाला आती है वर्लपूल का ब्लूमोस 360 प्रो प्लस बोला ना okay? बाहर में ज्यादा चल रहा है, यूएसए में ज्यादा चल रहा है। इसका सर्विस भी आपको मिला तो हम ही लोग किया। आपको ऐसे ऑन करना है, ये जो बटन है इसको 3 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3। ये वाला जो मशीन है पूरा फ्रंट लोडिंग की हैसियत से बना हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मिक्स वॉश यानी जो मिक्स जो कपड़ा रहता है उसके लिए, उसके बाद आते हैं कॉटन वॉश यानी कॉटन से कपड़े के लिए, उलन वॉश उल का कपड़े के लिए, ये जो डाउन वॉश है ये वाला कौन सा कपड़े के लिए, जो आप लोग पैंट शर्ट जो पहनते हैं उसके लिए आती है। उसके बाद दिखा यहाँ पे आती है होम टेक्सटाइल्स। होम टेक्सटाइल्स का मतलब आपको पता ही होगा, यहाँ पे टैप क्लीन आती है यानी मशीन को जो गंदगी आती है इसके लिए स्केलिंग पाउडर आती है उसे सफ़ा करना होती है। ये जो स्पिन ऑन ड्राई आती है कपड़ा सिर्फ सुखाने के लिए आती है। उसके बाद एक यहाँ पे आती है रिंस एंड स्पिन, कपड़ा सिर्फ खंगालेगा, नया कपड़ा पहन के शादी वगैरह में गए वो कपड़ा खंगालने के लिए ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वार्म वॉश, इसका मतलब है इसके अंदर एक इनबिल्ट हीटर है जो आप लोगों का गर्म पानी उबला के काम कराएगा। उसके बाद यहाँ पे आती है क्विक वॉश, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, जिस ऑप्शन में टच करेंगे वही ऑप्शन आपका काम करेगा, ठीक है। जैसे कि जो ऑप्शन टच करेंगे वही होगा। उसके बाद एक यहाँ पे आती है वॉश टाइमर, वॉश टाइम लिखा हुआ है, आपको आप यहाँ पे टाइम को घटा सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से। जैसे स्पिन ऑन में जैसे कि आपको सूची कि कटन वॉश आ गया, जैसे आप लोग फ्रंट लोडिंग सिस्टम होते वैसे ही ऑप्शन आती है, रिंस टाइम स्पिन टाइम स्पिन स्पीड, ठीक है। वॉश टाइम कितना है, रिंस टाइम कितना है, स्पिन टाइम सब आप देख पाएंगे यहाँ पर टच करके करते हैं। 10 मिनट का यहाँ पर आती है रिंस का 2 बार, स्पिन का आएगा 5 मिनट का, यहाँ पर देखिए स्पिन स्पीड कितना होगा देख पाएंगे 53, ओके। यहाँ पे देखिए वेरिएबल वेब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल वेब यहाँ पे फंक्शन सिलेक्ट लिखा हुआ है, ये जब टच करते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए डिले, डिले टाइम का आती है, ओके, टाइम डिले करने के लिए। वेरिएबल वेब का मतलब है टाइम को डिले करती है ये वाला ऑप्शन जब टच करते हैं, ये फेदर टच वाला ऑप्शन आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आती है वाटर लेवल, अब अपने हैसियत से आपको वाटर लेवल सेट कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक सेट रहता है। आपका डिटर्जेंट सिलेक्टर आती है जो ऐसा आपका होगा, सॉफ्टनर सिलेक्टर आती है आपका जानती है आप लोग। तो यहाँ पे आती है प्रेजेंट टाइमर, टाइमर का कुछ काम धाम नहीं है जैसे से आई वॉश के लिए दिया हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आती है सुपर लॉक, इसको अगर टच करेंगे लॉक नहीं होगा, इसको टच करेंगे तो लॉक नहीं होगा, इसको 3 सेकंड होल्ड करना होगा। देखिए 1 2 3 यहाँ पे लॉक है गेट पे, लॉक का आवाज़ हुआ यानी लॉक हो गया मशीन को, इसको अगर फिर से 3 सेकंड होल्ड करेंगे अनलॉक होगा। देखिए अनलॉक हो गया, ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे लॉक है, जैसे कि फ्रंट लोडिंग का लॉक रहती है उसी हिसाब से सिर्फ इसमें लॉक है, ओके। वाला ड्रम देख रहे हैं ये 13 kg का आती है, डायरेक्ट ड्राइव का मोटर आती है और इसका सर्किट जो ऊपर में रहती है, इसको खोलने का तरीका आती है नहीं तो टूट जाएगा पूरा। मशीन का लुकिंग देख रहे हैं बहुत अच्छा सा लुकिंग है इसका, पूरा फेदर टच में काम करती है वाला ऑप्शन, ओके। कोई भी ऑप्शन काम करिएगा सब ऑप्शन में काम होगा। 3 सेकंड होल्ड करके रखिए, 1 2 3, देखिए पूरा ऑफ हो जाए, फिर से 3 सेकंड स्टार्ट करिए, 1 2 3, देख रहे हैं पूरा डिस्प्ले काम करेगा आपका। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना जो कमेंट है उसमें डाल दीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा उसमें।